उमर अकमल को दोस्तों बैन कर दिया है 3 सालों के लिए दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूँ शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसका नाम है स्पोर्ट डेवलप बेस्टलर। तो आपको जैसे कि सबको मालूम ही है कि मैं यहाँ पे तरह तरह की बातें करते रहता हूँ, क्रिकेट के अपडेट्स देता रहता हूँ आप सबको। क्रिकेट के बारे में मुझे बोलना बहुत पसंद है। ट्रैवल ब्लॉग भी है मेरे, ट्रैवल भी मैं करता रहता हूँ। लॉकडाउन के कारण मैं कुछ कर नहीं पाया ट्रैवल, तो जो कि मेरे पहले थे, जो कि मैंने जितना ट्रैवल किया था पहले, तो उसके सारे एक्सपीरियंस मैं हर संडे को डालता रहता हूँ। और बाकी मंडे टू सैटरडे हर रोज़ मेरे ब्लॉग्स रहते हैं इसके बारे में, क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के अपडेट्स के बारे में, या फिर स्पोर्ट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं ऐसा टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे एक शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है दोस्तों की उमर अकमल, जो कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे, बहुत उनका एक एवरेज रन स्कोरिंग का बहुत अच्छा था, बहुत तगड़ा था, फिर भी ये चीज़ क्यों हुई है कि जो स्पॉट फिक्सिंग में वो पकड़े गए हैं और फिर कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें आएंगी दोस्तों। तो आखिर तक देखते रहते। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि उमर अकमल को बैन क्यों किया है। तो फिर ये सामने आया कि दोस्तों की जो उमर अकमल है, जो स्पॉट फिक्सिंग की ऑफर लेते हुए पकड़े गए दोस्तों की, वो एक ऑफ मतलब क्या होता है कि पहले तो ये बता दो आप सब लोगों की स्पॉट फिक्सिंग क्या होता है, या फिर जो ऑफर्स लेना, या फिर मतलब वो करप्शन बोलते हैं ये क्या होता है एग्जैक्टली। तो मानो कि आप मतलब एक प्लेयर हो, तो मैं आपके पास आता हूँ कि यार मुझे अभी इंडियन प्लेयर्स को जिताना है, या फिर कोई भी कंट्री हो, तो आप बुरा खेलोगे ये, फिर या फिर यही बॉल पे मतलब स्पॉट फिक्स करते हैं कि अगर ऐसा आप बॉलर हो तो बॉलर के यहाँ पे आप एक ही जगह पे बॉल डालते हो, हिट करने को देते हो। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले आपको को पता होता है कि ये कहाँ पे बॉल डालने वाला है। तो अगर आप बैट्समैन एज अ बैट्समैन हो, तो आपको मतलब बताया जाता है कि आपको इतने रन बना के आउट होना है, तो मतलब काफ़ी क्राइटेरिया होता है सबका, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, और उसके बदले में आपको पैसे दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं करप्शन, या फिर मतलब बोलते हैं स्पॉट फिक्सिंग या फिर फिक्सिंग। तो फिर क्या हुआ दोस्तों एग्जैक्टली कि मतलब उमर अकमल को जब ये पूछा गया कि आपको इस मतलब ये हुआ है, तो फिर आपका क्या कहना है उसके ऊपर, तो ये उमर अकमल उस टाइम बोले कि मुझे ये बताना जरूर नहीं समझा मैंने कि मतलब आगे की मतलब ये जो बात थी, तो मैं आगे तक नहीं लेके जाना चाहता दोस्तों की, मतलब वो सीमित रखना चाहता था। पर इससे क्या हुआ ना दोस्तों कि आप भी वो स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ चुके हैं, तो फिर इस ये बात अगर उस टाइम ही आप मतलब आगे पहुंचा देते हैं कि किसी बड़े अथॉरिटी के साथ, या फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ ये शेयर करते बात की मुझे ऐसे ऐसे ऑफर आया और मुझे ये सख्त मतलब मुझे नहीं चाहिए ऑफर, पर भी फिर भी वो फोर्स करे, या फिर बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो फिर उसी टाइम कुछ हो सकता था दोस्तों कि मतलब उसी टाइम उन्होंने बता दिया था, उससे क्लियर हो जाता कि उनका कुछ हाथ नहीं है और ये वो स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। इसमें उमर अकमल कुछ भी कर नहीं सकते अभी इस सीजन में उनके, क्योंकि वो क्या समझेगा मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर कोई भी अदर हायर अथॉरिटीज़ की, अगर ये उनको बताना था पहले तो उन्होंने क्यों बताया नहीं पहले, ये प्रोसेस होने तक वेट क्यों किया, या फिर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं इससे। तो यही हुआ है दोस्तों, और उसी के कारण अभी 3 साल तक उनको बैन किया गया है। तो जैसे कि सबको मालूम है कि उमर अकमल एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट रिलेटेड जो फैमिली बोल सकते हैं उसको, कि मतलब बहुत लोगों ने उनके फैमिली में से क्रिकेट खेल चुका है। उनका एक भाई भी है, मतलब जैसे कि आपको सबको मालूम है कि कमरान अकमल, वो भी अच्छे खेलते थे क्रिकेट। तो उसके बाद ये आए थे, एक बहुत अच्छा टैलेंट था दोस्तों, बहुत अच्छा रन्स किए थे, मतलब क्या ऐसे चीज़ करते दोस्तों कि मतलब पता नहीं कि इससे पूरा करियर वेस्ट हो जाएगा उनका भी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब यंग एज में डिस्ट्रैक्ट होने जैसा। तो इस पे रमीज राजा ने क्या कहा है दोस्तों, आप ये सुन लीजिए पहले। तो मतलब रमीज राजा जो कि बहुत अच्छे एक पाकिस्तानी प्लेयर थे, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत नाराज़ है सब पाकिस्तानी प्लेयर्स से जी। मतलब उनका कहना ये है कि दोस्तों हर एक एरा में, मतलब हर एक जनरेशन में कोई ना कोई ऐसे 2-3 बंदे होते हैं जो स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं, या फिर स्पॉट फिक्सिंग करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि मतलब जो टैलेंट है वो वेस्ट चला जाएगा। अभी तो मतलब ऐसा बहुत पहले भी हुआ है, जैसे कि मोहम्मद आमिर एक एग्जाम्पल ले ले, फॉर एग्जाम्पल आप, कि बहुत अच्छे बॉलर थे उस टाइम भी। तो अगर आप सोच सकते हो कि अगर 2 साल तक मतलब जो टीम के बाहर नहीं चले जाते, तो उनको कितना फ़ायदा होता दोस्तों। मतलब तो यही रविंद्र राजा का कहना है दोस्तों कि मतलब उनको ये बोलना है कि मतलब आप जो है ना, कि मतलब आप सही लोगों के साथ रहो। तो उनका ये कहना है कि इनको बिल्कुल भी माफ़ ना किया जाए पहले, तो मतलब बहुत सारे प्लेयर्स को माफ़ किया गया है पहले भी, और इंजमाम मुल्ला का भी यही कहना है कि इनको भी माफ़ किया जाए इस टाइम, तो हर एक गलती उनकी माफ़ की जाए। पर रविंद्र राजा का कहना है कि बिल्कुल भी माफ़ ना कीजिए, उससे क्या हो जाएगा कि मतलब आगे भी कुछ इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो जो कि आगे की जनरेशन है वो तो एक सज़ा तो मिलनी चाहिए इन प्लेयर्स को, तो और वो भी सही भी है। मतलब क्योंकि आप ऐसा करोगे, क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम बोलते हैं, फिर ये स्पॉट फिक्सिंग वगैरह चीज़ें से मतलब उसका क्रिकेट का आपका बिल्कुल नाम खराब होएगा ही मतलब उससे, और क्रिकेट का भी पूरा नाम खराब होता है इससे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए मेरे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और भी अच्छा वीडियो आपके सामने लाता रहूँ इसके लिए। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन,
और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ।